मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की हस्तियाँ सदमे में हैं। वहीं एक्टर के अंतिम संस्कार के समय जुटी मीडिया कर्मियों की भीड़ और हर पल की फोटो खींचने की होड़ में और मीडिया कवरेज देखकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसको लेकर एक मैसेज भी लिखा है। कॉमेडियन जाकिर खान ने इंस्टाग्राम पर एक सेलिब्स की मौत के बाद क्या होता है इस पर पोस्ट शेयर किया। जाकिर के इस पोस्ट से अनुष्का शर्मा काफ़ी सहमत हुई। उन्होंने जाकिर के पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि कैसे सेलिब्रिटी की एक मौत तमाशा बन जाती है। जाकिर का ये पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद का है। उनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी शामिल है। दरअसल अनुष्का शर्मा ने कॉमेडियन जाकिर खान द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक मैसेज को रीपोस्ट किया है। उन्होंने हिंदी में लिखा एक श्लोक शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक सेलिब्रिटी की मौत को तमाशा में बदल दिया जाता है। वह शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की मीडिया कवरेज का जिक्र करते हुए नजर आए। इस पोस्ट में लिखा है, वो तुम्हें इंसान नहीं समझते, इसलिए नहीं है कोई लाइन ना कोई बाउंड्रीज है। तुम्हारी लाश उनके लिए रूह निकला हुआ जिस्म नहीं, बस तस्वीर लेने का एक नया मौका है। जितना हो सके उतनी, ये वैसे हैं जैसे दंगों में किसी जलते घर में से बर्तन चुराने की कोशिश करना, क्योंकि उनके इसके बाद तुम क्या ही काम आओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 तस्वीर, 5 खबरें, 3 वीडियोस और 2 स्टोरीज, एक पोस्ट और बस खत। इसलिए तुम्हारी मौत तमाशा ही रहेगी। रोती माँ भी तमाशा, गम में टूटा हुआ बाप भी तमाशा, बेसुध बहन, हिम्मत हारे हुए भाई, तुमसे मोहब्बत करता हर इंसान उनके लिए तमाशा है। तुम जिंदा होते तो बात अलग थी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे रोते बिलखते अपने इनकी भूख मिटाएंगे। अनुष्का शर्मा ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है और साथ ही विशाल ददलानी और गौहर खान ने भी जाकिर की इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए मैसेज लिखा है। विशाल ने कहा कि वह भी परेशान है कि क्या हो रहा है, जबकि गौहर ने तालियों की गड़गड़ाहट की इमोजी पोस्ट की। वहीं इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको मीडिया के कवरेज करने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और सबने अपने तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। अधिक खबरों के लिए बने रहें जन संदेश टाइम्स के साथ।